हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मौलाना अंसारी साहब एक डायनेमिक शख्सियत थे। उनने जो अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट की वो मेरे लिहाज से दो मरहलों पे कायम थी। पहले ये कि वो एक पहली बार एक खतीब होने के नाते, एक आलिम होने के नाते सियासत में आए अराउंड मिड 70s के आसपास। तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर गोलबाग में एक बहुत ही बड़ा जलसा मुनक़द हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक अहम इशू लैंड ग्रांट्स बिल का उठा लिया। तो लोगों का उनमें बड़ा रिस्पांस रहा, क्योंकि मुझे विविडली याद है कि उनके बगल में थे मियां सरवर साहब, और जब वो जलसा तमाम हुआ तो तकरीबन लोगों को उस मैदान में निकलने को 2-3 घंटे लगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी यानी कि अकलियत की नुमाइंदगी करना, वो एक दूसरा मरहला है। पोस्ट 1947 में जो हालात रहे हमारे मुल्क में और ख़ासकर हमारे रियासत में, तो तकरीबन 30 साल के आसपास का जो वक्फ़ा था, इसमें जो हमारी इसना शरिया या शिया कम्युनिटी के लोग थे उनको एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा पैदा हो गया। तो उस दौरान ना कोई रिप्रेजेंटेशन थी और ना कुछ महकमों या तकरीबन सभी महकमे, किसी भी महकमे में कहीं तर्जमानी नहीं थी, बहसें थी एडवाइज़र, मिनिस्टर, डायरेक्टर वगैरह। तो अंसारी साहब का जो सियासी रोल रहा एज़ ए नोबल पॉलिटिशियन, उनने बहुत ही कम अरसे में अपनी पॉलिटिकल शिनाख्त कायम कर ली। और जो दूसरे उनके हिज्ब इख्तलाफ में भी लोग थे, वो भी उनकी उस शख्सियत से, जो पॉलिटिकल शख्सियत थी, वो कायल रहे। क्योंकि मैं खुद सियासतदान नहीं हूँ और मेरा उनका पॉलिटिकल एनालिसिस करना भी मुश्किल है और एप्रोप्रिएट भी नहीं है। मैं जो भी उनके सियासी अमूर के मुतल्लिक और मशगूलियत के मुतल्लिक जानता हूँ वो एज़ ए सिविल सर्वेंट मैं बयान कर रहा हूँ। एज़ ए कैबिनेट मिनिस्टर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि एज ए कैबिनेट मिनिस्टर वो भी मैंने बिल्कुल नज़दीकी से देखा। जब भी वो मामलात या इश्यूज़ पे डिसीजन लेते थे, वो बहुत ही बारीकी से उनको पहले समझते थे, डिस्कशन करते थे डायरेक्टरेट्स के साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ। तो एक प्रोफेशनल तरीके से वो हर एक इशू को समझते थे, फिर उसको प्रोजेक्ट करते थे। उनमें एक खूबी ये भी थी कि वो मामलात को प्रोजेक्ट करने से पहले उन पे होमवर्क भी बहुत करते थे, और जो भी व्यूज़ होती थी, डिफरेंट व्यूज़ होती थी, सब की बात सुन लेते थे और फिर अपना डिसीजन भी देते थे और सही तरीके से देते थे। एक मौका याद है कि मरकज़ी सरकार में जनाब TN सेशन साहब, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो तशरीफ़ लाए कश्मीर अराउंड 1989 के अगस्त के आसपास। तो उन दिनों हमारे यहाँ पे जनाब मूसा रज़ा साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो सभी वज़रा को, जो काबीने के वज़रा थे उस वक्त, को कहा गया है कि अपने अपने महकमे, अपने अपने वजारत के जो भी इश्यूज़ है, मामलात है, तो मिस्टर TN सेशन के सामने रख ले। सभी ने रख लिया, और अंसारी साहब उन दिनों इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपने मामलात उनके सामने रखे। उन दिनों मुझे याद है कि ड्राई पोर्ट फैसिलिटी का उन्होंने एक इशू था, क्योंकि हमारे पास पोर्ट फैसिलिटी नहीं थी और पोर्ट रिलेटेड जितने भी इंसेंटिव्स इंडस्ट्री को चाहिए थी वो मिलते नहीं थे। वो मसला अंसारी साहब ने उन दिनों उनके सामने पेश किया। तो एक हफ़्ता गुजरने के बाद सिर्फ़ एक वज़ीर थे काबीना के जिनको
मिस्टर सेशान ने दिल्ली बुलाया और वो थे अंसारी साहब। तो मुझे याद है कि वहाँ भी उन्होंने अपने महकमे के बहुत से जो मुश्किलात थे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ थे, उनके सामने पेश किया। और वो एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर एक हिंदुस्तान के या मरकज़ी सरकार के हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट के सामने अपने इश्यूज़ को रख ले, ये एक उनमें एक खूबी थी मेरे लिहाज में। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, जब 1984 मिड 80s के दरमियान जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो उस मनसब को भी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। तो जब गुलाम अहमद शाह साहब वज़ीर आला बने थे, तो उस अहदे पे यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पे भी अंसारी साहब ने बहुत ही सलीके से काम किया जो काबिल तहसीन रहा था। तो सियासत के मुख्तलिफ मरहलों में वो कैसे गुजरे या कैसे उनके डिसीशंस थे, वो एक सियासतदान के नाते उन्होंने खुद लिए, लेकिन बहसी थे एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मोतबर थे। शुक्रिया।